मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मार्च 2024 वेंसडे एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। कल के दिन में बीओजे ने रेट हाइक किया फ्रॉम नेगेटिव 0.1% से 0.0% में, जो मच टॉक्ड अबाउट द मार्केट था। लेकिन बीओजे गवर्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां पे उन्होंने क्या बताया है कि BOJ will keep its monetary easing in place, and that is that the rate hike is probably a one and done case. उसके बाद डॉलर येन में मींस डॉलर अच्छा खासा एप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट द येन। फ्रॉम एन इंट्राडे लो ऑफ 148.97 इट ट्रेडेड हाई ऑफ 150.96 एंड क्लोज्ड एट 150.85। करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 151.28। अभी ये 151.75 जो 30-32 ईयर्स का हाई है उसको अभी चैलेंज कर रहा है। वंस अगेन इंटरवेंशन का फियर्स इस लेवल में है जो जोन है वहां पे। सो ये करंट लेवल मींस 151-152 के बीच में बीओजे का इंटरवेंशन इज एक्सपेक्टेड। एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न्ड, व्हाट चार्ट इज सेइंग, चार्ट में ये RSI above 60 चला गया है अच्छा खासा बुलिशनेस के साथ। और जो रिसेंट स्विंग हाई था, क्या था आपका 150.88, उसके हाई के ऊपर अभी सस्टेन कर रहे हैं। Until and unless BOJ intervention is there, so यहाँ पे सॉफ्टनेस का कोई चांसेस या प्रोबेबिलिटीज दिख नहीं रहे हैं। अभी आते हैं हम हमारा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इज करेंटली एट 103.8। आज रात को FOMC rate decision से followed by the Fed governors का press conference. So यहाँ पे what next का यहाँ पे ये है कि immediately हमारा जो zone है 103.50 से 104.40 का, इस zone के अंदर में dollar index आ चुका है। हमारा ये देखना था कि पहले दो दिन पहले का जो हमारा एनालिसिस था, ये सेंटरमेंट के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये हमारा देखना था, अगर यहाँ पे नहीं करते हैं एंड उसके बाद नीचे के तरफ फॉल करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो एज फार एज द डॉलर मींस सेलिंग इज कंसर्न्ड और डेप्रिसिएशन इज कंसर्न्ड। लेकिन कल के दिन में ये सेंटरमेंट को तोड़ के फोर के ऊपर चला, ऊपर गया तो अभी नेक्स्ट जो जोन है कंसोलिडेशन जोन, ये जो प्रीवियस जोन है इस जोन के अंदर में अभी आज मिडनाइट का रेट डिसीजंस मींस ऑलमोस्ट मींस 99% यही है कि हाइक नहीं होगा। लेकिन हमें उनका जो मींस फॉरवर्ड गाइडेंस है उसको देखना है। यहाँ पे RSI इज योर एट 56, सो 56 यहाँ पे मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि RSI is going to take resistance near 60 and उसके बाद फिर दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है। मींस BOJ गवर्नर, एक्सक्यूज मी, फेड गवर्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे ऐसा कुछ आने वाला है जिसमें फिर ये जो डॉलर एप्रिसिएशन का मोमेंटम है पिछले आपका 8 मार्च ऑनवर्ड्स, उस मोमेंटम को डैम्पन करना चाहिए। दैट इज माय एक्सपेक्टेशंस। अभी GBP डॉलर में क्या है, सेंटर बैंड को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। अभी यहाँ पे एक आपका पिन बार बना है, एक मस्त प्राइस एक्शन का ये फॉर्मेशन है जहां पे जैसे ही ये पिन बार के हाई के ऊपर क्लोज देगा, सपोज आज के दिन में इस पिन बार के हाई के ऊपर क्लोज देता है, व्हाट इज दैट 1.2733 के ऊपर आफ्टर फेड रेट डिसीजंस एंड फेड गवर्नर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ऊपर क्लोज देते हैं, देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि ये स्विंग हाई को टेस्ट करेगा। स्विंग हाई मींस ये 1.2850 को टेस्ट करेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये पिन बार के हाई के ऊपर, कल जो पिन बार बनाया उसके हाई के ऊपर क्लोज दे, ये बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया बुलिश सेटअप है। कंडीशंस
रिमेन की इसके हाई के ऊपर क्लोज देना है। ये बीपी आईएनआर ये सेंटर वेंट को डैमेज किया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। सस्टेन कर नहीं पाया बोले तो आपका सेंटर वेंट को मीन्स नीचे क्लोज नहीं दिया, टच एंड गो करके नीचे आके फिर ये ऊपर वापस चला गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे जो कैंडल बनाया है मस्त कैंडल बनाया है। मस्त कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल। ये सेंटर बैंड में पोजीशंस भी अच्छा है, सीआईपी सपोर्ट भी है, यहाँ पे सीआईपी सपोर्ट है, सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज इट इज गोइंग टू टेस्ट द रिसेंट स्विंग हाई व्हिच इज 106.3040 जोन, हायर प्रोबेबिलिटीज। तो इसमें एक ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है आवरली बेसिस पे, जैसे ही एक स्विंग बनाएगा ऐसा स्विंग बनेगा, उस स्विंग ऐसा स्विंग के बाद उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, जैसे ही करता है उसके हाई के ऊपर लंग बनता है एंड रिसेंट स्विंग लो इज गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस। ये एक बढ़िया सा सेटअप दिख रहे हैं। देन यूरो डॉलर, यूरो डॉलर सिमिलरली थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव है बिकॉज द क्लोज इज बिलो द सेंटर बैंड और इस जीबीपी डॉलर में क्लोज इज अबव द सेंटर बैंड। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन से पिन बार फॉर्मेशन से एट सीआईपी सपोर्ट एरिया एंड ऑन द सेंटर बैंड मींस 20 पीरियड मूविंग एवरेज, दैट बीइंग द केस यहाँ पे जैसे ही पिन बार के हाई के ऊपर स्ट्रांग क्लोज देता है देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के नेक्स्ट टुमारो ऑनवर्ड्स 1.0950 टेस्ट करना चाहिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन इज ये कल के हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए, दैट मींस 1.0877 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। इन सच ए केस ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली इन यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर में भी ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लिया, पिन बार बनाया एट सीआईपी, मींस ट्रिपल कंफर्मेशन है। अभी हमें सिर्फ इंतजार है कल के हाई के ऊपर क्लोज देना। कल का हाई क्या है आपका? आपका 90.30, इसके हाई के ऊपर क्लोज देना है, देन यूरो आयनर में 90.80 मिलना हायर प्रोबेबिलिटीज है। डॉलर येन, डॉलर येन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी जो इमीडिएटली 151.70-75 का जो मिस रिसेंट स्विंग हाई है और जो रेजिस्टेंस भी है 30-33 ईयर्स का, उसमें क्या बीओजे का इंटरवेंशन डंडा घूमता है ये हमें देखना है। येन आईएनआर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार कर रहे थे, बट ये जो बीओजे गवर्नर का जो स्टेटमेंट है कि ये जो रेट है कि वन टाइम रेट है कि एंड फ्यूचर में रिपीट नहीं होने का हायर प्रोबेबिलिटीज है एंड आल्सो अपना मींस लिक्विडिटी पंप करता रहेगा मींस इन सो जिसके कारण येन वीक हो गया एंड हमारा जो ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ मींस क्या कहते हैं चैलेंज में आ गया है। सो अभी हमें फिर दोबारा इंतजार करना है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे क्या फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, फिर एक बुलिश कैंडल, देन एक बियरिश कैंडल, देन इस बियरिश के हाई के ऊपर ब्रेकआउट एंड जूम अप। So, क्या यहाँ पर भी सिमिलरली हमें कुछ ऐसा मिलते हैं? कैसा? समथिंग लाइक दिस, ये नेगेटिव ब्रेक डाउन किया, फिर एक बुल कैंडल आएगा, फिर एक नेगेटिविटी आएगा एंड उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। क्या ये होता है? ये हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी आपका वही कंसोलिडेशन जोन के हायर एंड में है एट 1.3572। इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा मोमेंटम के लिए, नहीं तो दोनों तरफ दे धुलाई। अभी ऑसी डॉलर, कल के दिन में क्या हुआ? रेट पॉज रखा गया आरबीए के द्वारा, आरबीए के द्वारा एंड सेंट्रल बैंक के नीचे जाके क्लोज। तो यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन था कि ये सेंट्रल बैंक के डैमेज नहीं करना चाहिए और डैमेज कर दिया। सो यहाँ पे जो बाउंस बैक का वो एक्सपेक्टेशन था वो अभी सबसाइड हो गया है। अभी नए सिरे से हमें प्राइस एक्शन को एनालाइज करना चाहिए। ऑसी सीएनएच 7.1965 ये रेंज के अंदर में कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अभी ब्रेंट क्रूड कैश
चटकल के दिन में एक स्मॉल बॉडी पिन बार बनाया हुआ है विद एन इंट्राडे हाई ऑफ 87.02 एंड लो ऑफ 85.90। ये पिन बार क्या कहता है? ये बॉस कैंडल्स है, ये कुछ नहीं बोलता है क्या? आई एम बुलिश एंड बेयरिश। बॉस कैंडल इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे थोड़ा सा पुल है। क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। अभी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी ये यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है 4.35 का जो रेजिस्टेंस लेवल है। कल के दिन में एक पुल बैक देखा गया। ऑल्सो RSI आपका निगेट किया एट 60 पे, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है। अभी जैसे ही ये आपका ये 15th मार्च के लो के नीचे क्लोज देगा तो अगेन थोड़ा सा साउथ वर्ल्ड इसमें एक्सपेक्टेशंस करेंगे। इन केस फेड गवर्नर का कुछ कमेंट्स आते हैं जो दोबारा इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, वो केस में पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। यूएस टू ईयर ट्रेजरी सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पर रिस्पेक्ट करके कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी ये RSI 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं, सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज ये जो फेड रेट डिसीजंस एंड फेड गवर्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वहां पे मींस दोबारा स्पेशली आपका फेड गवर्नर के स्टेटमेंट के बाद, स्पीच के बाद ऐसा लगता है, फील हो रहा है बाय सीइंग द चार्ट प्राइस एक्शंस, तो ये जो 2 ईयर एंड 10 ईयर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मार्केट इज मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। हम सोचने से क्या होगा, प्राइस को देखना चाहिए। सो यहाँ पे क्या देखना चाहिए कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं देना है। ये अगर क्लोज देगा तो फिर दोबारा ऊपर की तरफ चला मुरारी हरिद्वार ऊपर की तरफ, ये होना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होता है इन दैट केस ऐसा प्रतीत होता है कि ये 2 ईयर एंड 10 ईयर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। वैसे भी ये जो आपका यूएस डेटा एंड फेड गवर्नर्स का स्पीचेस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर डेटा बहुत स्ट्रांग आते हैं एंड डॉलर स्ट्रांग हो जाते हैं सो फेड गवर्नर्स कुछ ना कुछ आके बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। डेटा अगर वीक आते हैं मीन्स जिसमें सपोर्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए इन सच ए केस, उसके बाद फेड गवर्नर कोई ना कोई आके हॉकिश स्टेटमेंट दे देते हैं। सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक नीचे आता है तो दूसरे ऊपर के लिए लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, जो डेटा था यूएस का वो डॉलर को ऊपर की तरफ लेके गया है। सो दैट बीइंग द केस अभी फेड गवर्नर का इंतजार है, कोई ना कोई गवर्नर आके डोविश स्टेटमेंट का एक इंतजार है। दिस इज द ट्रेंड बेसिकली, उस ट्रेंड के हिसाब से अगर देखेंगे एक पैटर्न है, एक पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कोई ना कोई फेड गवर्नर आके डोविश कोई स्टेटमेंट देगा जो डॉलर इसको फिर दोबारा थोड़ा सॉफ्ट करेगा। सो यही एक ट्रेंड के हमें इंतजार है। अभी आते हैं डॉलर रुपये, डॉलर रुपये थोड़ा सा कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा गया यहाँ पे, बट ये रेजिस्टेंस जोन है 82.95 से 83.10। ये जोन में प्राइस कैसे बिहेव करते हैं ये हमें देखना है। अभी डेली RSI एट 60 रेजिस्टेंस, तो क्या ये 60 रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ नया ट्रेडिंग जोन बनाते हैं वो हमें देखना। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्त जो हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड